मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। हेमचंद यार देख, वो लड़की शराब पी रही है। हाँ यार पी तो रही है, लेकिन यार ये लड़की शराब पी क्यों हो रही है? चल चल के पूछते हैं फिर। ये लड़की तू शराब क्यों पी रही है? क्यों मेरी मर्जी, तू रोकेगा मुझे? हम तुझे शराब पीने को मने नहीं कर रहे, केवल हम तो तुझसे पूछ रहे हैं। और क्या बात है, फिर तुम भी पी लो ना। हमें शराब नहीं पीनी, हम तो बस केवल तुमसे पूछ रहे हैं तुम शराब क्यों पीती हो। शायद मेरी किस्मत में ये शराब पीना ही लिखा है। क्यों लिखा है आपकी किस्मत में शराब पीना, बताओ ना। तुम मेरी मजबूरी नहीं समझोगे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे शराब पी। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो समझा ही सकते हैं। चल नेमचंद चलते हैं। ठीक है भाई। अरे ये लड़की कौन पड़ी है? नानी मालिक। चलो चल के देखते हैं। चलो। ए लड़की उठना, यहाँ क्यों पड़ी है? आप लोग कौन है और मुझ जैसी दुखिया से क्या चाहते हो? अरे हम तुझसे कुछ नहीं चाहते, हम तो बस ये पूछना चाहते हैं तू यहाँ पर कैसे पड़ी है। अरे मैं शराब के नशे में थी, इसलिए मुझे नहीं पता मैं इस टाइम कहाँ पड़ी हूँ कहाँ नहीं। तूने इतनी शराब क्यों पी थी जो तुझे अपने आप पे कभी नहीं पता कि मैं कहाँ पड़ी हूँ कहाँ नहीं? हाँ साहब मैंने बहुत शराब पी ली थी, इसलिए मुझे ज्यादा नशा हो गया और मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। लेकिन तू इतना नशा क्यों करती है बताना। कुछ नहीं, बस शायद मेरी किस्मत में नशा करना ही लिखा है। क्यों लिखा है तेरी किस्मत में नशा करना, हमसे बताना। क्या आप दोनों मेरी कहानी सुन सकते हो? हाँ बता तेरी क्या कहानी है, हम सुनना चाहते हैं। तो अगर आप दोनों सुनना चाहते हो तो सुनो। तो एक दिन की बात है। बुद्धा देखना कितनी स्मार्ट लड़की जा रही है। स्मार्ट तो है, पता नहीं किसकी लड़की है। चल चल के पूछते हैं किसकी लड़की है। चलो। हे महादेव, मुझे इन लड़कों की नीयत ठीक नहीं लग रही है, कहीं ये मुझे रोक न ले। हे लड़की कहाँ जा रही है? पहले तो तुम मेरा हाथ छोड़ो, और तुम्हें क्या मतलब मैं कहीं भी जा रही हूँ? राम खिलाड़ी बताना हमें इससे क्या लेना है। हमें तुझसे कुछ नहीं लेना, हमें सिर्फ ये बता ये कागज किस चीज के हैं। तुम दोनों को क्या लेना है, ये किसी चीज के भी कागज हो। हे लड़की मुझसे जमान लड़ाती है, तुझे पता मैं कौन हूँ? इस एरिया का डॉन हूँ। अब बताए भी दे किस चीज के कागज हैं, या एक और लगाऊं? भाई ये मेरी जिंदगी के बहुत कीमती कागज हैं। क्या जिंदगी कागज, हम कुछ समझे नहीं, दोबारा बता। हाँ भाई ये मेरी जिंदगी के कागज हैं, क्योंकि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ, इसलिए उसी के फॉर्म ऑनलाइन कराने जा रही हूँ। राम खिलाड़ी देख रहा है तू, लड़की पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती है। देख तो रहे हैं यार। हाँ भाई बनना चाहती हूँ, और आप अब मुझे जाने दो। क्या कहा जाने दे? राम खिलाड़ी देखता क्या, छीन ले कागज। ला देना कागज। लो भाई मुझे मेरे कागज लौटा दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। भाई मेरा ये देखा वो सपना चूर चूर हो जाएगा, प्लीज मुझे मेरे कागज लौटा दो, मुझ पे कुछ तो रहम करो मेरे भाई। हम कागज नहीं देंगे तो नहीं देंगे, निकल यहाँ से, वरना तेरे साथ और भी गलत कर सकते हैं। निकल यहाँ से। आई कागज लेने। मेरे महादेव पता नहीं तूने मुझसे कौन से कर्मों का बदला लिया जो आज मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, पर चल ठीक है जो तुझे मंजूर, मैं भी तेरी मर्जी में खुश हूँ मेरे मालिक। रो मत बेटा, मैं तुझे एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर जरूर बनाऊंगा, चल मेरे साथ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। क्यों बेटा, चलना मेरे साथ, मैं तुझे एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर जरूर बना दूंगा। नहीं मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, शायद मेरी किस्मत में पुलिस इंस्पेक्टर बनना ही नहीं लिखा। चलना हमारे साथ, तुझे एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर जरूर बना देंगे हम। हाँ बेटा चलना, हम तुझे जरूर बना देंगे पुलिस इंस्पेक्टर। ठीक है आप जब मान ही नहीं रहे हो तो मैं चलती हूँ आपके साथ। ठीक है चल। मालिक मैं चलता हूँ, काम पड़े ना फोन कर लेना। ठीक है तू जा। बेटा तुम अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ, तुम्हें भूख लग रही होगी। ठीक है अंकल जी। लो बेटा खाना खा लो।
आप अलमारी में क्या देख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, मैं अपनी कंपनी के कागज देख रहा हूँ, तुम खाना खा लो। अंकल। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? अंकल मेरे कागज भी कुछ इसी तरीके के थे जैसे आपकी कंपनी के कागज लग रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम्हारे कागज भी ऐसे ही थे? हाँ जी अंकल जी, मेरे कागज भी बिल्कुल ऐसे ही थे। हाँ बेटा होंगे तुम्हारे कागज भी ऐसे ही, लेकिन ये कागज तुम्हारे नहीं है। ठीक है अंकल जी। वैसे अंकल जी आपके घर में कोई और नहीं दिखाई दे रहा? नहीं बेटा, मेरे घर में एक शैतान है। क्या शैतान? अंकल जी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मेरा एक बेटा है जो बहुत शैतानी करता है। तो अंकल जी आपके वो बेटे कहाँ गए हैं? मैं जब से आपके घर आई हूँ वो तो दिखाई नहीं दिए। मुझे नहीं पता बेटा वो कहाँ गया है, वो एक फ्रॉड आदमी है, उसकी नहीं पता एक साल की 6 महीने की वो घर ही नहीं आता। अच्छा तो ठीक है अंकल जी। हाँ बेटा, अब मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तू घर से बाहर मत निकलना। अंकल जी ऐसा क्या काम है? हाँ बेटा कुछ काम ही तो है, मैं इसलिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है अंकल जी, जल्दी आना। हेलो कृष्ण, कहाँ पर है? जल्दी आ जा मेरे पास। हाँ जल्दी आ जा। हाँ बोलिए मालिक, क्या काम है? काम कुछ भी नहीं है, गाड़ी स्टार्ट कर और फटाफट जल्दी चल। चलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बोलो क्या काम है? भाई साहब हमें ये फार्म ऑनलाइन करा ली। लाओ दिखाओ। ये पुलिस के फॉर्म ऑनलाइन कराने हैं आपको? हाँ जी। ठीक है आप बैठ जाइए, मैं आपका फॉर्म ऑनलाइन करता हूँ। लो जी आपका काम हो गया। बताइए भाई साहब आपके क्या रुपए हुए? 100 रुपए हो गए जी। यार ये लोग तो बहुत बड़े घर से दिखे जो अपनी लड़की को पुलिस में लगाना चाहते हैं। रीत बेटा बाहर आना। अरे इन्हें कैसे पता चला कि मेरा नाम रीत है? चलो चल के पूछते हैं। अरे रीत बेटा क्या हुआ, बाहर आना। बस पापा जी आ गई। हाँ ठीक है जल्दी आ जा। हाँ जी पापा जी बताइए क्या बात है? बात तो कुछ नहीं है बेटा, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। ठीक है पिताजी। लो पापा जी पानी पी लो। पापा जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछ बेटा क्या पूछना चाहती है? पापा जी आपको मेरा नाम कैसे पता चला कि मेरा नाम रीत है? क्या बेटा तुम्हारा नाम भी रीत है? हाँ जी पापा जी मेरा नाम भी रीत है। बताओ ना पापा जी किसी और का नाम भी रीत है? अरे नहीं बेटा मैंने तो बस यूं ही बोल दिया था, मुझे क्या पता आपका नाम भी रीत है। लेकिन पापा जी कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, प्लीज बताइए ना, आपको मेरी कसम है। नहीं नहीं बेटा कुछ बात नहीं है, 3 महीने का इंतजार करो सब कुछ पता चल जाएगा। क्या पापा जी एक बात पूछने के लिए 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा? हाँ बेटा 3 महीने का इंतजार तो करना पड़ेगा, फिर तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है पापा जी अब जैसी आपकी मर्जी। हाँ ठीक है। हाँ भाई ये घर परशुराम का है? हाँ जी उन्हीं का घर है। अरे आज के
आवाज तो जो हमारे घर पुलिस आ रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार, बैठिए। बोलो सर, क्या बात है? देखो, बात तो कुछ नहीं है, आपकी लड़की का नाम रीत है क्या? हाँ जी, रीति है। बोलो क्या बात है? देखिए, आपकी लड़की पुलिस इंस्पेक्टर बन गई है। क्या कहा? हमारी बेटी पुलिस इंस्पेक्टर बन गई है? हाँ जी, आपकी बेटी पुलिस इंस्पेक्टर बन गई है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तुमने हमारी बेटी को पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा। कहाँ गई है आपकी बेटी? कहीं नहीं गई हमारी बेटी, अंदर है, अभी बुलाता हूँ। रीत बेटा। हाँ पापा जी। हाँ जी पापा जी, बताओ क्या बात है? बेटा बात कुछ नहीं है, तुम पुलिस इंस्पेक्टर बन गई हो। क्या पापा, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन गई हूँ? हाँ बेटा, तुम पुलिस इंस्पेक्टर बन गई हो। सच पापा? हाँ सच। ना मानो तो तुम इनसे पूछ लो। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या सर, मैं सच में पुलिस इंस्पेक्टर बन गई हूँ? हाँ, तुम पुलिस इंस्पेक्टर बन चुकी हो, और बड़े कलेक्टर साहब का कहना यह है कि तुम 3 दिन बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर रही हो। ठीक है जी, ये रही आपकी सन, और मैं चलता हूँ। पर पापा जी, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनी कैसे? बेटा उस दिन मैं जो कागज़ देख रहा था ना, वो मेरी कोई कंपनी के कागज़ नहीं थे, वो तुम्हारे कागज़ थे। और जो तुमसे कागज़ छीन के लाया था ना, वो शैतान बेटा मेरा ही था। तो पापा, आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया? बेटा मैंने ये सच इसलिए छुपाया कि पहले अपनी बेटी को मैं इस काबिल बना दूँ, तभी बताऊँगा। थैंक यू सो मच पापा।